दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कोई पिता कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है और बच्चों को जन्म देता है, और अगर पिता प्रेग्नेंट होता है तो माँ का इस प्रोसेस में क्या रोल होता है, और ये कैसे संभव है कि पिता बच्चे को जन्म दे। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रकृति में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे, और उन्हीं में से एक ये है। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी जीव के बारे में बताएंगे जिनकी प्रजाति में पिता बच्चों को जन्म देता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि माँ ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धरती पर एक ऐसी भी प्रजाति है जिसमें मादा नहीं बल्कि नर बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, ये सच है। समुद्री घोड़ा, जिसे हम सी हॉर्स भी कहते हैं, दोस्तों इस प्रजाति के नर बच्चों को जन्म देते हैं, और ये जीव घोड़े की तरह दिखते हैं और समुद्र में रहते हैं, इसीलिए इनका नाम सी हॉर्स है। बता दें कि समुद्री घोड़े पाइपफिश फैमिली का जीव है। समुद्री घोड़ों की प्रजाति के नर प्रेग्नेंट होते हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मादा समुद्री घोड़े अपने अंडे नर समुद्री घोड़े की थैली में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद 45 दिनों तक नर इन अंडों को तब तक अपनी थैली में रखता है जब तक बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते। तो चलिए जानते हैं आगे सी हॉर्स के बारे में विस्तार में। तो दोस्तों, सी हॉर्स पाइपफिश परिवार के सदस्य हैं। उनके प्रतिष्ठित रूप के अलावा सी हॉर्स में कई दिलचस्प गुण होते हैं। इनके स्किन के सेल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिन्हें क्रोमेटोफोरस कहा जाता है, और ये ज्यादातर सी सेल्स समुद्री घोड़ों को अपने सराउंडिंग को कॉपी करने के लिए यानी रंग बदलने में मदद करता है, और अच्छी तरह से कैमोफ्लॉज के रूप में वे अपने उथले पुथले सिचुएशन में समुद्री घास के डंठलों से चिपके रहते हैं। इसीलिए समुद्री घोड़ों को देखना इतना आसान नहीं होता और ये काफी मुश्किल है। हालांकि आपको जानवरों के साम्राज्य का ये यूनिक कस्टमाइजेशन देखकर हैरानी होगी कि पॉपुलैरिटी के लिए उनका रियलिटी में रिमार्केबल बायोलॉजिकल क्लेम ये है कि मेल समुद्री घोड़े और समुद्री ड्रैगन गर्भवती होते हैं और युवा होते हैं एक लंबे समय तक प्रेमालाप नृत्य पूरा करने के बाद, जो कि घंटों या दिनों तक चल सकता है। फीमेल सी हॉर्स अपने मैच्योर एग को मेल के ब्रूड पाउच में ट्रांसफर करती है, जहां वे फर्टिलाइज होते हैं और प्रेगनेंसी पीरियड के अंत में आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। प्रेग्नेंट मेल का पेट एक रिदम में लहराना शुरू कर देता है, और स्ट्रॉन्ग मसल्स के कंट्रैक्शन कुछ दर्जन से लेकर 1000 से ज्यादा पूरी तरह से गठित शिशु समुद्री घोड़ों को आसपास के पानी में फेंक देते हैं। वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार सी हॉर्स की 47 समुद्री प्रजातियों में से 14 की पहचान केवल 21वीं सदी में हुई थी। सी हॉर्स आमतौर पर समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनकी जनसंख्या मछली पालन ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से काफी कम हो गई है, और साथ ही सी हॉर्स की यूनिवर्सल अपील ने इनके खिलाफ काफी काम किया है। कुछ समय पहले तक एक्वेरियम बिजनेस के लिए अक्सर जंगली समुद्री घोड़ों को पकड़ लिया जाता था। इसके बावजूद कि नाजुक जीव एक्वेरियम में खराब प्रदर्शन करते हैं, और इसी वजह से इनकी जनसंख्या और भी ज्यादा कम हो गई। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सी हॉर्स से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आते रहना हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।